गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्रेडिटेशन। आज हमारा बेटा सेकंड लॉ है पॉलीगन लॉ ऑफ एक्रेडिटेशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एक्रेडिटेशन एक्चुअली बेस्ड ऑन अपॉन योर ट्राइंगल ऑफ एक्रेडिटेशन ही है, लेकिन इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट ये है कि ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, पॉली मीन मैनी, इसकी मैनी साइड्स होती हैं, बहुत सारी साइड्स होती हैं। कहता है नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं बाय साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन टेकन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड। जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है, बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अगर कहने का मतलब अगर बहुत सारी साइड्स हैं किसी पॉलीगन की, वो एक ऑर्डर में है, उसका मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा, ठीक है। इसमें हम देखिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, कंसीडर करिए आप कुछ चार वेक्टर, ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ एक्रेडिटेशन में अप्लाई करिए, आप क्या करिए कंसीडर करिए चार, कंसीडर कर लीजिए आप हमारे पास, कंसीडर एनी फोर वेक्टर्स, कंसीडर एनी फोर वेक्टर्स ए बी सी एंड डी, हमने चार वेक्टर्स ले लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए हमारा ये है, ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर सी है और ये हमारा वेक्टर डी है, फिगर ये फिगर लेटर बी है हमारे पास, ये हमारे पास चार वेक्टर्स हैं। हम इसको यूज करके हमें पॉलीगन लॉ को आप लोगों को एक्सप्लेन करवाना, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए हमारा ये पहला वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी ये वेक्टर ए है, तो कनेक्ट कर लो ये पॉइंट है ओ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये हमारा वेक्टर है, लेट इट बी हमारा वेक्टर कौन सा है बी, ये पी ले लीजिए, ये पॉइंट क्यू ले लीजिए। तो बेटा देखो अब ओ पी जो है वो ए वेक्टर के इक्वल है, ठीक है, जो आपका पी क्यू है वो वेक्टर बी के इक्वल है, तो बहुत क्लियर है अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो इन दोनों का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ एक्रेडिटेशन, तो ये लेटर बी ये क्या है वेक्टर ई है, ठीक है, तो ये इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा वेक्टर कौन सा है सी, ये वेक्टर कौन सा है सी, ठीक है, तो मान लीजिए अब हमारे वेक्टर जो है हमारा सी है, तो सी और ई का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो ये लीजिए मान लीजिए ये वेक्टर हमारा कौन सा है, ये लेट कर लो ई है, ये क्या हो गया एफ, एफ का रिजल्टेंट किस किस का हो गया ई और सी का। अब हमारे पास है कौन सा वेक्टर, वो है वेक्टर हमारा डी, ये हमारा वेक्टर है डी, ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये वुड गिव यू द रिजल्टेंट बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये हमारे पास देखिए, तो ये एक्चुअली क्या होगा आर जो कि रिजल्टेंट होगा किस किस वेक्टर का, डी और एफ का, ठीक है, आप लोगों को क्लियरेंस होना चाहिए। हमारे पास पी क्यू ये आर ले लीजिए ए, सॉरी क्योंकि आर हम ले चुके हैं, ये एस ले लीजिए, ये हम लोग लेंगे डी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, ये पहले हमने डायग्राम को ड्रा किया, अब इसके रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे है, ओ पी हमारे पास कोई क्या है, ओ पी हमारे पास एक वेक्टर है ए, बी पी क्यू हमारे पास वेक्टर है हमारे पास कितना, पी क्यू हमारे पास है बी वेक्टर, और ओ क्यू जो है जो वो है ई वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, फिर हमारे पास लेट कर लेना ये, ठीक है, फिर हमारे पास क्यू एस है सी वेक्टर और ओ एस वेक्टर जो होगा, ओ एस वेक्टर होगा हमारे पास एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर रहेगा, फिर हमारे पास है एस टी, एस टी वेक्टर हमारा हो गया डी वेक्टर के बराबर, और बहुत क्लियर है ओ टी हमारा है वो रिजल्टेंट किस किसका होगा, रिजल्टेंट होगा एफ ओ डी का, तो ओ टी कितना आ गया
ओटी हमारा आ गया, ओटी हमारा आ गया आर। ठीक है, तो इसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे चारों वेक्टर्स को यूजिंग, हम प्रूव करेंगे पॉलीगन लॉ वेक्टर भी। तो हमने ये पॉलीगन ड्रा किया है जिसमें साइड्स ऑफ पॉलीगन्स आर गिवन बाय ओपी पीक्यू क्यूएस एसटी एंड ओटी। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन देख लीजिए, दिस इज का क्लोजिंग साइड। ठीक, तो अब देखिए अगर हम देखें यूजिंग ट्राइंगल, तो यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम क्या करने जा रहे हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी है हमने कर रखा होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास देखो ओपी वेक्टर जाएगा, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या है, ओ क्यू वेक्टर। और आप ऐसे कर सकते हो ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। तो बेटा ओ क्यू कितना है, ई वेक्टर है हमारे पास इस बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके के फर्स्ट। अभी ना बात अगर हो जाए इसकी, जो हमारा ओ क्यू वेक्टर है, जो मतलब कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा ओ एस वेक्टर है वो है ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। ओ एस वेक्टर हमारा एफ है या जगह, ठीक है, ओ एस वेक्टर कितना है, ये हमारा है सॉरी ये हमारा है ई वेक्टर, ओ क्यू कितना है ई और ये कितना है प्लस ई वेक्टर। इस तरह सेकेंड यूजिंग फर्स्ट ही ना सेकेंड भी है, और हम देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा इसका, क्योंकि रिजल्ट सभी वेक्टर्स का सम होगा। एफ वेक्टर मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अब आर वेक्टर की, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मान लीजिएगा। अब हमारे पास अगर मैं ओटी की बात करूँ, ओटी वेक्टर जो होगा, ओटी वेक्टर होगा ओ एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर। ओ एस कितना है, ओ एस है आपका एफ वेक्टर और ओ डी कितना है डी वेक्टर, इस तरह रख लीजिए फोर यूजिंग थर्ड इन फोर वेक्टर। जब करोगे आपको ओ टी कितना आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ टी एफ, एफ पे रिमूव करोगे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस क्या आएगा डी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो ये हमने पॉलीगन लॉ को इम्प्लीमेंट करके, पॉलीगन लॉ को हमने इम्प्लीमेंट करके रिजल्टेंट निकाला। और मैंने आपको बताया कि ये जो चार वेक्टर्स थे जो ये अलग अलग काम कर रहे थे उन सबका एक बंदा काम करेगा, वो क्या होगा रिजल्टेंट आपका आर। तो ये था बेटा हमारा पॉलीगन वेक्टर, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। इसमें कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन को इम्प्लीमेंट किया है। इसका और इसका रिजल्टेंट ये है, इसका और इसका रिजल्टेंट ये है, इसका और इसका रिजल्टेंट हमारा यहाँ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू वेरी मच।